हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। आज हम जो है साइन बार के द्वारा किस प्रकार से एक्सटर्नल टेपर चेक किया जाता है उसको सीखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहे अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि हम अपने चैनल पर ITI टेक्निकल, गवर्नमेंट तथा प्राइवेट जॉब की वीडियो लाते रहते हैं। तो आप जो है साइन बार के द्वारा एंगल चेक करने के लिए कुछ टूल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वो टूल इक्विपमेंट भी देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो है वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहली जो है सरफेस प्लेट है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो टूल हमको जो चाहिए एंगल चेक करने के लिए वो साइन बार। साइन बार जो है साइज में मिलते हैं, और सब आप लोगों को पता ही होगा कि जो साइन बार का साइज है वो इसके एक जो गोले लगे हुए दोनों इस गोले के सेंटर से इस गोले के सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको साइन बार का साइज कहा जाता है। ये 125 mm का साइन बार है। इसके बाद डायल टेस्ट इंडिकेटर विद स्टैंड हमको चाहिए। इसके द्वारा जो है हम क्या है समतलता चेक करते हैं जब हम जॉब की जो सेटिंग करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमको स्लिप गेज का पूरा सेट चाहिए। आप देख रहे हैं स्लिप गेज, इनको जॉनसन स्लिप गेज का नाम भी दिया जाता है। इसका यूज जो है जॉब को प्रॉपर हाइट पे उठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्योंकि हमने एंगल चेक करना है, जिस प्रकार से जो है समय को मेजरमेंट करने के लिए तीन यूनिट होती हैं, सेकंड, मिनट और घंटा, उसी प्रकार से जो है एंगल को मेजरमेंट करने के लिए भी तीन यूनिट है। तो एंगल को अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो सबसे छोटी यूनिट है वो सेकंड है, उससे जो बड़ी यूनिट है वो मिनट है, और उससे बड़ी जो यूनिट है वो डिग्री है। तो जनरली जो है हमारे साधारण जो प्रोट्रैक्टर होते हैं वो एक डिग्री की एक्यूरेसी में एंगल चेक करते हैं। अगर हमको उससे सूत चेक करना है तो हमको जो है वन ईयर बेबल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग करना पड़ता है, जो 5 मिनट की एक्यूरेसी में एंगल को चेक करता है। और अगर हमें उससे भी ज़्यादा सूत एंगल चेक करना है तो हमें साइन बार का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि 1 मिनट की एक्यूरेसी में एंगल को चेक करता है। इस सारे जो हमारे ये इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं इनसे एंगल चेक करने के लिए जो है हमारी सरफेस प्लेट बिल्कुल 0-0 में समतल होनी चाहिए। चूँकि अभी ये लकड़ी की टेबल पर खड़ी है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन भी हो सकता है, लेकिन हम जो है आज जो है साइन बार की जो द्वारा एंगल कैसे चेक करते हैं इस प्रोसेस को सीखेंगे, क्योंकि ये कई कंपनियों में काम भी आता है किस प्रकार से चेक करेंगे। तो ये आप एक जॉब देख रहे होंगे, हमारा जॉब देख रहे होंगे, जॉब पर इधर भी एंगल बना हुआ है और एक एंगल इस साइड बना हुआ है ये। तो हमने ये वाला एंगल चेक करना है, जो ये एंगल है ये कितने डिग्री का जो है साइन बार से हम इसको चेक करेंगे, और बाद में उसका वेरिफिकेशन हम वन ईयर बेबल प्रोट्रैक्टर के थ्रू जो है करने की कोशिश करेंगे कि वो हमारी जो रीडिंग सही आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये इस एंगल को हम चेक करेंगे। एंगल को चेक करने के लिए साइन बार, और जो साइन बार जो है उसका सिद्धांत भी आपको पता होना चाहिए, वो त्रिकोणमिति के सिद्धांत साइन बराबर लंब बटे कर्ण के आधार पर जो है काम करता है, और उसी विधि से हम इसका एंगल भी चेक करेंगे। इसके लिए हमारे पास नेचुरल साइन टेबल भी होनी चाहिए, और उस टेबल को देखना भी हमें आना चाहिए कि जो रीडिंग निकल के आएगी उसको हमें साइन टेबल में जब हम रखकर डालेंगे तो हमको जो है एंगल पता लगेगा कि एक्चुअल में कितना एंगल है। तो आइए शुरू करते हैं। है ये अभी अंदाज से जो है स्लिप गेज का एक जो है सेट लगा दिया है, और अब हम इसके ऊपर साइन बार को हमने इस पर सेट कर दिया है, और जो जिस भी जॉब का हमने एंगल चेक करना है जिस वाली साइड का उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। ये आप देख लें रख दिया है। और अब हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज जो है वो ये देखेंगे कि हमारा जॉब ये समतल है, ये समतल होना चाहिए बिल्कुल। अगर ये समतल रहेगा तभी आपका एंगल सही आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं चेक कर लेते हैं ये समतल जो है या नहीं है। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं इसमें इसको हम जो है आप देख सकते हैं हमने इसको क्या कर दिया जीरो पे सेट कर दिया। अभी इधर से देखो आप जीरो पे। अब हमने आप देख सकते हैं डायल जो गेज है हमने इसमें जो है जीरो सेट कर दिया है, और ये डायल गेज जो है ये जो है 10 माइक्रोन की एक्यूरेसी में जो है ये रीडिंग देता है। ठीक है, तो अब हम इसको चला के देखेंगे। सर्विस प्लेट के ऊपर हमने इसको रख दिया है कि ये इसमें जो है कितना जो है वेरिएशन आ रहा है। आगे की ओर बढ़ा के देखेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें कि लगभग जो है .1 का जो है इसमें वेरिएशन आ रहा है, ये देख सकते हैं आप।
तो ये वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारी सरफेस प्लेट है वो प्रॉपर अभी बैलेंस नहीं है, लेकिन हमें जो है चूंकि इसका सिर्फ आज जो है मेथड सीखना है कि किस प्रकार से चेक करते हैं, तो इस प्रकार से हम जो है डायल गेज के द्वारा ऊपर की जो सरफेस को प्लेन करते हैं, ये जो स्लिप गेज लगाकर, ये स्लिप गेज इसे लगा के ताकि हमारा जो ये वाली जो सरफेस है वो प्लेन बन जाए। अब ये हमने चेक कर लिया है, अब आता है इसके थ्रू कि हम एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो अब हम इसको हटा देते हैं, हमको इसमें कि कैलकुलेशन के द्वारा कैसे हमने जो है निकालना है। तो साइन इधर भी आदम, मैं जूम कराऊं सर आपने मेरा कैमरा, ठीक है सर। अब साइन बराबर जो है क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है इसका कौन सा हो गया, ये वाला जो खड़ा जो है ये लंब है, और कर्ण कौन सा है, जो अपना साइन बार का साइज है। तो साइन बार का साइज अपना था 125 mm, और लंब कितना है ये, तो अब हमें इनको क्या करना पड़ेगा, ये वनियर कैलिपर का यूज क्या करेंगे हम, ये जो हमने जो स्लिप गेज लगा रखी है इनकी पूरी लेंथ लेंगे कि कितनी लेंथ है इसकी। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, और हम क्या करेंगे इनकी जो है लेंथ चेक करेंगे कि एक्चुअल में ये कितना है, और इसको क्या कर लेते हैं हम, इधर देख लो, इसमें देखो 69.5 जो है इसकी जो है अपना जो स्लिप गेज है, स्लिप गेज का जो है साइज चेक कर लिया है, ये लगभग 69.5 के आसपास आया है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, क्या हो गया, लंब। और साइन बार के द्वारा जो है एंगल निकालने के लिए हमको दोनों चीज़ चाहिए, लंब भी चाहिए और कर्ण भी चाहिए। तो लंब हमारा हो गया है 69.5। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके कितना आता है वो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, और उस वैल्यू को फिर हम नेचुरल साइन की टेबल में देखेंगे, तो वहाँ से हमको एंगल पता लगेगा कि ये जो है हमारा, जो हमारे पे जो वैल्यू आई थी लंब की, यानी कि जो हमारी स्लिप गेज की हाइट, और कर्ण यानी कि जो अपना साइन बार का जो साइज है, साइन बार का साइज निकालने के लिए सब आपको पता है, एक रोलर के सेंटर से दूसरे रोलर के सेंटर के बीच की दूरी, ये 125 mm हमने चेक कर ली थी। तो जो वैल्यू आई है वो आई है 0.556। अब इसको हम साइन की जो टेबल है नेचुरल साइन की, उसमें हम देखेंगे कि ये कितना एंगल बता रहा है। तो और इधर से आगे जो है खोल के देखते हैं 0.5 हमारा कहाँ है, तो हम उसके नज़दीक जाएंगे। आप देख सकते हैं ये 0.5 mm कहाँ है, 0.12, 0.3, और ये हम 0.5 पे आ गए, 0.5। ये आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, 0.45 हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, आगे चलेंगे 1.55, ये चलेंगे, रुको इधर है ये 0.4, 0.550, 0.551, 0.553, 0.5548, 0.55, ये तो हम लगभग ये नज़दीक है, ठीक है सर, ये है ना, ये 5563 है, तो मतलब 5.56 इसमें भी हो गई, ये कितनी आ गई 33 डिग्री, और 33 डिग्री पे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ हमें मिनट मिलेगा 5563 पे, ये था ना, इस पर हम ऊपर चलते हैं, ये 0 डिग्री 8 0 कितना हो गया है, ये नहीं 48 मिनट, और जो है आपका इतना आ गया आपका, ये देख रहे हैं आप, यानी कि 33 डिग्री और 48 मिनट जो है आपका जो है इसमें जो है एंगल, जो वैल्यू थी इसका जो एंगल हम पे साइन टेबल में निकल के आया वो 33 डिग्री और 48 मिनट निकल कर आया है। अब हम इसको जो है क्या करेंगे, एक्चुअल जब हम इसको वनियर बेवल प्रोट्रैक्टर के द्वारा भी चेक करेंगे कि एक्चुअल में इतनी डिजिट आ रही है या नहीं आ रही है। ये आप वनियर बेवल प्रोट्रैक्टर देख रहे हैं, और इसके द्वारा एंगल को 5 मिनट की एक्यूरेसी में चेक किया जाता है। इस जॉब का जो है एंगल हमने साइन बार के द्वारा चेक किया था, जो कि निकला था 33 डिग्री और 48 मिनट, और अब हम जो है इसके एंगल को जो है वनियर बेबल प्रोट्रैक्टर के द्वारा चेक करेंगे। ये आप वनियर बेबल प्रोट्रैक्टर देख रहे हैं, और इसके जो है बाहर की साइड जो है ये डिग्री के निशान है, और इसका जो वनियर पैमाना है उसके 0 के दोनों ओर 12-12 निशान है, और प्रत्येक खाने का जो मान है वह 5 मिनट है।
अब हम जो है वनियर बेबल प्रोटेक्टर के द्वारा जो है जो एंगल हमने साइन बार के द्वारा चेक किया था उसको चेक करेंगे। ये अब हम देखते हैं, हमने ये जो है हमारा जो एंगल हमने इसको अच्छी तरीके से आपने बैठाना है। जैसे अब ये हमारा जो है इस समय बैठ गया है इसमें, अब हम इसको जो इसकी रीडिंग को जो है वनियर बेबल जो प्रोटेक्टर है इसमें पढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें अंदर, इसमें जो है इसने जो है 30 डिग्री को यहाँ पे पार कर लिया है, 31, 32 और 33 डिग्री को भी इसने क्या कर लिया, पार कर लिया है, और 34 को भी इसने पार नहीं किया है। और आगे अब हमने देखना है कौन से इधर जीरो के इधर कौन से नंबर की लाइन मैच कर रही है। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो छः नंबर की जो लाइन है वो मैच कर रही है, और एक लाइन का जो मान है वो 5 मिनट है, तो जो है इनके 6 नंबर की कर रही है तो 5×30, तो इसका मतलब 30 मिनट और ये प्लस है, इनके 33 डिग्री और 30 मिनट दिखा रहा है, जबकि हमने जब साइन बार से चेक किया था तो वो 33 डिग्री और 48 मिनट इसमें शो कर रहा था। तो लगभग जो है सेम है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो सरफेस प्लेट की जो एक्यूरेसी है, सरफेस प्लेट जो है उसका जो वो लेवल में है या नहीं है, जो आपका जो ये लेवल में बना है नहीं बना है इसकी फिनिशिंग, तो वो सब जो है इसमें वेरिएशन आ रखा है। अदरवाइज जो है आज हमने देखा कि बेबल प्रोटेक्टर के द्वारा किस प्रकार से एंगल को चेक किया जाता है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।